नमस्कार दोस्तों, हरियाणा के एमसीक्यू सीरीज में आप सबका स्वागत है। ये एमसीक्यू की दूसरी वीडियो है, थ्योरी मैं पहले करवा चुका हूँ। आइएगा चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है अपना, अरावली पर्वतमाला हरियाणा के किस भाग में स्थित है? अरावली पर्वतमाला आपने पढ़ा है, मैंने थ्योरी में पढ़ाया है। जिस मान भाई ने थ्योरी देखनी है वो पिछली वीडियोज देख लो, इसमें मैं मानचित्र ले आके आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। हरियाणा में दो पर्वतमालाएं हैं दोस्तों, एक तो है अरावली पर्वतमाला और एक दूसरी है शिवालिक पर्वतमाला। दो पर्वतमाला हैं। शिवालिक पर्वतमाला तो हरियाणा के उत्तर पूर्व भाग में पड़ती है और जो अरावली पर्वतमाला है वो दक्षिण पश्चिम भाग में पड़ती है। ठीक है दोस्तों, दक्षिण पश्चिम भाग में। अगर आपका पेपर में प्रश्न आए कि अरावली किस साइड पड़ती है तो आपका उत्तर हो जाना चाहिए कि अरावली दक्षिण पश्चिम में पड़ती है। अब सपोज करो कि ऑप्शन में दक्षिण पश्चिम नहीं, अकेला दक्षिण है तो दक्षिण उत्तर आ जाएगा, और शिवालिक में पड़ती है उत्तर पूर्व में। मान के चलो पूर्व ऑप्शन में नहीं आया, अकेला उत्तर आ जाएगा तो उत्तर भी ठीक है। ठीक है भैया, चलो इस प्रश्न पाओ, अरावली किस भाग में स्थित है? तो अरावली दक्षिण पश्चिम में है, लेकिन दक्षिण पश्चिम ऑप्शन में ही नहीं है, एकला दक्षिण ही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण, यानी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा के कौन से भाग को कवर करती हैं? शिवालिक की पहाड़ियां अभी अभी हमने जाना है, उत्तर पूर्वी भाग को कवर करती हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अब उसके बाद तीसरा प्रश्न आ गया, करहो की चोटी हरियाणा की खालिस्तान का सबसे ऊंचा स्थान है। दोस्तों हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है करहो, और ये करहो है शिवालिक पर्वतमाला का भाग। किसका भाग है दोस्तों? शिवालिक पर्वतमाला का भाग। और शिवालिक पर्वतमाला पे अगर पहाड़ी पूछे तो मोरनी की पहाड़ी का भाग है। किसका भाग है? मोरनी की पहाड़ी की चोटी है ये। ठीक है, तो ऑप्शन में देखते हैं मोरनी की पहाड़ी है या फिर शिवालिक है, दोनों ही ठीक है। तो ऑप्शन में या तो शिवालिक होना चाहिए या मोरनी की पहाड़ी। तो मेवात भी उत्तर गलत है, अरावली की पहाड़ियाँ भी गलत है, दासी की पहाड़ियाँ भी गलत हैं, और मिल गया अपने को सटीक उत्तर, वो है मोरनी की पहाड़ियाँ। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया? ऑप्शन नंबर 3 यानी मोरनी की पहाड़ियाँ। चलिए अगला आ गया, हरियाणा में खालिस्तान मुख्य विशेषताएं हैं। दोस्तों हरियाणा में टोटल वैसे तो 5 मुख्य विशेषताएं हैं, लेकिन HSSC के एक पेपर में 4 मुख्य विशेषता भी मानी थी। ठीक है, और मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया है कि डॉक्टर जसबीर सिंह के अनुसार, उनकी किताब एन एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा के अनुसार, हरियाणा को टोटल 8 विशेषताओं में, 8 भौगोलिक संरचनाओं में बांटा गया है। जनरली हरियाणा में टोटल 5 ही भौगोलिक विशेषताएं हैं दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, अरावली पर्वत श्रेणी हरियाणा के किस भाग में स्थित है? तो आप सबको पता है अरावली पर्वत श्रेणी हरियाणा के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है, और शिवालिक की बात करी जाए तो शिवालिक कौन से भाग में है? वो है उत्तर पूर्वी में। उत्तर पूर्वी में है शिवालिक, ठीक है दोस्तों, और दक्षिण पश्चिम में है अपनी अरावली, याद हो जाएंगी। अगले आ गया अपना, सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को, ये पुराने पेपरों के प्रश्न है जी, तो पुराने पेपर में आया हुआ सवाल है, हरियाणा सरकार को खालिस्तान में निर्माण की अनुमति देने पर फटकार लगाई है क्योंकि इससे वन क्षेत्रफल कम हो गया है। तो वन क्षेत्रफल रियल में अरावली में निर्माण कार्य चलने के कारण खत्म हो गया था, कम होने लगे था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाई कि भाई यहाँ पर जल्दी से आप निर्माण वगैरह बंद करो, नहीं तो वन क्षेत्रफल कम हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी अरावली। अगला है दोस्तों, किस राज्य की सीमा हरियाणा से सटी हुई नहीं है? चलिए एक बार आप मानचित्र में देखते हैं दोस्तों, अपने मानचित्र को देखो, अपने मानचित्र को गौर से देखोगे तो हरियाणा राज्य की सीमा 5 राज्यों के साथ लगती है। कितने राज्यों के साथ लगती है जी? 5 राज्यों के साथ सीमा लगती है, और उन 5 राज्यों में सबसे पहला है पंजाब। ये तो है पंजाब, यानी उत्तर से लेकर अगर आप पश्चिम की साइड आओगे तो पंजाब के साथ हरियाणा की सीमा लगती है। उत्तर से लेकर अगर आप पूर्व आओगे तो हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है, पूर्व में यहाँ लगती है उत्तराखंड के साथ। तो एक तो हो गया पंजाब, दूसरा हो गया हिमाचल प्रदेश, और तीसरा हो गया साथियों उत्तराखंड। 3 तो राज्य ये हो गए। अगर आप पूर्व से लेकर दक्षिण की तरफ आओगे तो ये सीमा लगती है उत्तर प्रदेश के साथ, और दक्षिण से लेकर अगर आप पश्चिम तक जाओगे तो सीमा लगती है राजस्थान के साथ।
इस प्रकार कुल मिलाकर हरियाणा के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है? पांच राज्यों की सीमा लगती है। और उन पांच राज्यों में पहले नंबर पे अगर आप उत्तर पूर्व में जाओगे तो क्या है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। पूर्व की बात करोगे तो दोस्तों उत्तराखंड है, और दक्षिण पूर्व की बात करोगे तो उत्तर प्रदेश यानी यूपी है दोस्तों। और दक्षिण से लेकर अगर पश्चिम की साइड जाओगे तो राजस्थान है, महारो रंगीलो राजस्थान। और उत्तर से लेकर अगर पश्चिम आओगे तो है अपना पंजाब। तो पांच राज्यों के साथ हरियाणा की सीमा लगती है। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो दो यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेशों के साथ हरियाणा की सीमा लगती है। उन दोनों में एक तो देश की राजधानी दिल्ली है और एक हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी है जिसका नाम है चंडीगढ़। तो हरियाणा की सीमा कितने केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है? दो केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है दोस्तों। उनमें पहला तो है दिल्ली और दूसरा है चंडीगढ़। राज्यों की पूछे तो कितने पड़ोसी राज्य हैं हरियाणा के? पांच पड़ोसी राज्य हैं। और टोटल पड़ोसी पूछे तो पांच तो पड़ोसी राज्य है और दो या यूटी, तो टोटल पड़ोसी हो गए सात। ठीक है दोस्तों। और केवल पड़ोसी राज्य पूछे तो पांच पड़ोसी राज्य हैं। आइए प्रश्न पर आएंगे, किस राज्य की सीमा हरियाणा से सटी हुई नहीं है? तो बताओ आप, पंजाब की भी सटी हुई है, उत्तर प्रदेश की भी सटी हुई है और राजस्थान की भी सटी हुई है। किसकी सीमा नहीं लगती? गुजरात की सीमा नहीं लगती। आ गया उत्तर। चलो आगे, हरियाणा से गुजरने वाली अरावली का दक्षिण छोर, आप पहली बात तो ये है, ये सही बात है या नहीं है? देखो, हरियाणा से क्या अरावली गुजरती है? बिल्कुल गुजरती है। अरावली का दक्षिण छोर किस साइड होगा? राजस्थान की साइड होगा। ठीक है दोस्तों। किस राज्य में समाप्त तो होता है? राजस्थान में अरावली जाती है लेकिन राजस्थान में समाप्त नहीं होती। राजस्थान के बाद ये गुजरात में जाके समाप्त होती है दोस्तों। तो लगभग बच्चे इसका उत्तर देने वाले होंगे राजस्थान, लेकिन ये राजस्थान उत्तर नहीं आएगा। हरियाणा के दक्षिण में जैसे ही आप जाओगे, आप गौर से देखो, हरियाणा के दक्षिण में ये क्या है? राजस्थान है। लेकिन राजस्थान में जाके अरावली खत्म थोड़े ना होती है। प्रश्न में बोला क्या है? समाप्त यानी खत्म होती है अरावली। अरावली जाके खत्म होती है गुजरात में। पिछली वीडियो में मैंने बताया भी था, गुजरात के बाद ये राजस्थान में आती है, राजस्थान के बाद ये अपने हरियाणा में आती है, और हरियाणा के बाद ये दिल्ली में जाती है। ठीक है दोस्तों। तो ये है अरावली पर्वतमाला का सफर, इसका रूट। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दो यानी गुजरात। अगला प्रश्न आ गया, अरावली पहाड़ी का सबसे ऊंचा क्षेत्र जिसकी ऊंचाई 652 मीटर है उसे खालिस्तान कहा जाता है। तो दोस्तों क्या कहा जाता है वो मैं आपको थोड़ी थ्योरी बता देता हूँ। एक बार देखो, दो आपने पर्वतमाला पढ़ी है, अरावली और शिवालिक। शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी है करो, वो मोरनी की पहाड़ियों का भाग है, वो पिंजौर पंचकुला में है। ये तो उसकी थ्योरी होगी। अब बात है अरावली की, अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है कुलताजपुर की चोटी। किसका नाम है? कुलताजपुर की चोटी। और वो डोसी की पहाड़ियों पर है दोस्तों। किसकी पहाड़ियों पर है? डोसी की पहाड़ी पर है। और उसकी टोटल ऊंचाई पूछे तो वो है 652 मीटर, और प्रॉपर नक्शे पर जगह पूछे तो वो है नारनौल। और नारनौल कौन से जिले में पड़ता है? महेंद्रगढ़ जिले में। ठीक है दोस्तों। चलो अब ये थ्योरी मैंने पढ़ा दी, अब ऑप्शन देखो, उसे क्या कहा जाता है? हिसार की पहाड़ी तो बिल्कुल नहीं कहा है, कहेंगे अगर जिला हो तो महेंद्रगढ़, करनाल भी नहीं होगा, सिरसा भी नहीं होगा। अब ऑप्शन बताया दसी। अब दसी तो है नहीं, मास्टर जी ने तो डोसी पढ़ाया था। अब ये एसएससी वाले स्पेलिंग ऐसे मिस्टेक करते हैं, आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा, डोसी और दसी एक जैसा है। तो इसका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर चार, क्योंकि ये तीन तो हो ही नहीं सकते, तो ये डोसी के साथ मैच थोड़ा बहुत क्या खा रहा है दसी। पेपर में ऐसे ही आया था भाइयों, मैंने एग्जैक्ट कॉपी किया है। अगला प्रश्न आ गया, अक्षेत्रफल के संदर्भ में हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? अगर आप अक्षेत्रफल की बात करोगे दोस्तों तो हरियाणा का भारत में 21वां स्थान है। क्षेत्रफल में बात करोगे तो 21वां स्थान है। केवल राज्यों की बात करो तो 20वां स्थान है। और अगर स्टेट यानी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यूपी को शामिल कर लोगे तो 21वां स्थान है। ठीक है, अब इसमें यह तो कहा ही नहीं राज्यों में या फिर टोटल में स्थान है। टोटल में स्थान है तो 20 भी उत्तर हो सकता है, 21 भी, पर 20 तो ऑप्शन में दिया ही नहीं, तो क्या उत्तर होगा? 21। अगला है, अरावली पहाड़ी के दक्षिणी भाग को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? अब आप बताओ, अरावली में जो दक्षिण की पहाड़ियां हैं, ठीक है, वो क्या
मेवात में से गुजरती हैं, बिल्कुल गुजरती हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, मेवात की पहाड़ियाँ, बांगर की पहाड़ी नहीं बोलेंगे, यमुना की पहाड़ी थोड़ी ना होती है, मार्शल पहाड़ी थोड़ी ना होती है, तीनों है ही नहीं हरियाणा में ऐसी पहाड़ी। इसका उत्तर वैसे भी क्या आना था, मेवात की पहाड़ी। अब मेवात आप खुद देख लो, अब मेवात जो हो वो हरियाणा के दक्षिण में है या नहीं है, और हरियाणा के दक्षिण में से क्या जाती है, अरावली की पहाड़ी जाती है, तो हरियाणा के दक्षिण से गुजरने वाली अरावली की पहाड़ियों को मेवात की पहाड़ियां भी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, या आप मानचित्र में भी देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलो अगले उस लेवल पर आगे। निम्न में से कौन सा हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है, आप खुद बताओ। नीमन शिवालिक पहाड़ियां बिल्कुल हैं, शिवालिक की पहाड़ियों के नीचे हरियाणा बसा हुआ, ये बात भी सही है। बांगर भूमि हरियाणा में है, बिल्कुल है। यमुना गग्गर का मैदान, हरियाणा जो है वो यमुना गग्गर का मैदान है, बिल्कुल है, क्योंकि आपको पता है हरियाणा में से मुख्य तो कई नदी गुजरती है, लेकिन जो मेन जो नदी है, मुख्य जो नदी है वो दो ही है। इधर जो ये अपनी नदी है, ये है अपनी यमुना नदी, ठीक है दोस्त, ये गग्गर नदी है, सॉरी कौन सी नदी है, ये है गग्गर नदी, और यहाँ यमुनानगर के बाद करनाल, करनाल के बाद पानीपत, सोनीपत, दिल्ली होते हुए फरीदाबाद और पलवल, हसनपुर, शशिदा, अलीगढ़, यूपी प्रवेश कर जाती है। तो ये ब्लू वाली तो है यमुना नदी, और ये जो येल्लो वाली है ये है गग्गर नदी। तो इन दोनों नदियों के बीच में जो मैदान है वही तो हरियाणा है, तो गग्गर यमुना का मैदान बिल्कुल बोलते हैं, ठीक है, ये चीज़ है, ये भी आप बोलते हैं हरियाणा को, बांगर भूमि भी बोलते हैं, नीमन शिवालिक पहाड़ियाँ भी बोलते हैं, लेकिन चंबल की घाटी हरियाणा में नहीं है। तो इन्होंने यही पूछा कौन सा भौगोलिक लक्षण हरियाणा का नहीं है, तो उसका आ गया ऑप्शन नंबर 4, ठीक है दोस्तों, हो जाएगा। अगला आ गया 2012 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या भारत की जनसंख्या कितने प्रतिशत है। तो 2011 में जनगणना हुई थी दोस्तों, 10 साल बाद 2021 में जनगणना होनी थी, परंतु कोरोना के कारण 2021 में जनगणना नहीं हो पाई। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का पूरे भारत में प्रतिशत में पूछोगे तो 2.09% का स्थान है। तो ऑप्शन में 2.09 तो है नहीं, केवल 2 है, 2 है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शिवालिक पहाड़ियाँ खालिस्तान जिले में नहीं पाई जाती हैं, तो किसमें पाई जाती है, 3 जिले आपको याद है, अम्बाड़ा, पंचकुला, यमुनानगर, तो किसमें नहीं पाई जाती, सिरसा में नहीं पाई जाती। अगला आ गया अरावली पहाड़ियों की मुख्य उपस्थिति खालिस्तान जिले में पाई जाती है, आप बताओ रोहतक में पाई जाती है, नहीं, हिसार में पाई जाती है, नहीं, क्या गुड़गांव में पाई जाती है, नहीं, तो कहाँ पाई जाती है, फरीदाबाद में, हो जाएगा दोस्तों ये भी। निम्न में से कौन सी पहाड़ी हिमालय और मैदानों के बीच संयोजक है, अब देखो, अब अपना जो हरियाणा है उसमें जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं और उसके पीछे जो हिमालय है, तो उनके बीच में जो पहाड़ियाँ हैं वह टिपरा की पहाड़ियाँ, कौन सी दोस्तों, टिपरा पहाड़ियाँ, तो इसका सही उत्तर होगा टिपरा पहाड़ियाँ, तो उसने टिपड़ा लिख रखा था पेपर वाले ने, लेकिन यह है टिपरा पहाड़ियाँ, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।